प्रशासन लोगों को सुविधाएं देने के नित्य प्रयास करता है, लेकिन नागौर के मेड़ता सिटी में इसके उल्टा असर देखने को मिल रहा है। यहां प्रशासन की ओर से करवाई जा रही कुंडल सरोवर की खुदाई का काम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। लापरवाही आमजन पर भारी, कुंडल सरोवर की खुदाई बनी आफत। खुदाई के काम से मकानों में आई दरारें। समस्या हल करने की बजाय नोटिस थमा रहा प्रशासन। प्रशासन ने क्यों नहीं उठाए पुख्ता कदम? आखिर इतना कमजोर क्यों पड़ा प्रशासन? चार माह से मेड़ता सिटी के छाजेड़ो मोहल्ले के वासिंदे कुंडल सरोवर की खुदाई होने पर जमीनी हलचल से मोहल्ले के मकानों में दरारों से परेशान हैं। शहर के छाजेड़ो के मोहल्ले के दो दर्जन से अधिक घरों में छह माह पहले आई दरारें रुकने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि छाजेड़ो के मोहल्ले से शुरू हुई घटना और मेड़ता के दर्जियों के मोहल्ले पटेल नगर के आसपास के घरों में भी अब दरारें आना शुरू हो गई है। इस मामले में कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन छह माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद पीड़ित परिवारों को किसी तरह की राहत और सहायता नहीं मिल पाई है। वहीं नगरपालिका ने इन पीड़ित परिवारों को अन्य जगह दिए बिना ही मकान खाली कराने का नोटिस थमा दिया था। प्रशासन ने लोगों को राहत देने के बजाय लोगों को रैन बसेरों में रहने तक की बात कह दी है। मैं जो लोगों के मकानों में दरार आ करके और जो मकानों को नुकसान हुआ है उसके संदर्भ में लोगों की शिकायत के उपरांत हम लोगों ने खुद भी मौका देखा था और उसके बाद में ये पाया गया कि इनके टूटने की जो कारण है वो जब तक कि किसी एक्सपर्ट एजेंसी से इसका पता नहीं लगाया जाए तब तक इसका पता लगना मुश्किल है। इसलिए नगरपालिका के माध्यम से और PWD को एक बीच का माध्यम बनाते हुए हम लोगों ने एक्सपर्ट्स कमेटी के लिए प्रयास किया था और मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या जिसको NIT जो है राजस्थान उसकी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से इसका पूरा अवलोकन करवा करके और उनके द्वारा इसका एक करके रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है। वो रिपोर्ट पेश हो चुकी है और उसके बेसिस के ऊपर एनालाइज करके कि इसका क्या कारण थे वो चूँकि जानकारी रिपोर्ट में आ चुकी है उसके बारे में लोगों को भी अवगत करा दिया जाएगा और रेमेडियल एक्शन क्या हो सकता है वहाँ पर उसके संदर्भ में भी कार्रवाई की जाएगी। अचानक छाजेड़ो के मोहल्ले के 20 मकानों में दरारें आने से मकानों को भारी क्षति पहुंची है। हालात ये है कि मकान दो भागों में बट गए हैं और कई मकानों की पट्टियां चटक गई हैं, तो कहीं मकानों की दीवारों में आर पार दिखाई देने जैसी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मकानों में इन दरारों का आना अभी भी जारी है। प्रशासन इसका कारण जानने में लगातार विफल हो रहा है और अपने बचाव में लोगों को नोटिस थमाकर मोहल्ले में प्रवेश करना भी बंद कर दिया है। वहीं इससे पहले इन जर्जर मकानों का मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी और उनके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी रही सोनू चितारा, स्थानीय सांसद दिया कुमारी, नागौर जिला कलेक्ट्रेट दिनेश कुमार यादव, जयपुर मालवीय नगर स्थित भूगर्भ विशेषज्ञ की टीम ने भी मौका मुआयना किया। बावजूद इसके यहाँ की हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे मेड़ता क्षेत्र के मैंने एक छाजोला का मोहल्ला और दर्जिया का मोहल्ला, एक पटेल नगर, तीन जगह मतलब मकान बड़ी स्थिति में मकान फाट गया। तो वे मकान की मैं कलेक्टर से मांग की और लिखित में भी दिया तो कलेक्टर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। तो इसलिए मैं आने वाली विधानसभा में मैं ज़रूर विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगी और इन पीड़ित परिवार को मैं ज़रूर साथ में रह और उनकी सविता करवाऊँ और सरकार से मांग कर और आने पीड़ित परिवार को न्याय दे रहूँगी आने वाली विधानसभा में। छाजेड़ो के मोहल्ले में आए दरारों का मौका मुआयना अब तक 5 विभाग कर चुके हैं। SDM कियाद चौहान, तहसीलदार विश्नाराम देवड़ा, PWD XCN बलदेव चौधरी, PHED XCN रामचंद्र राड और CI अमराराम खोकर, पालिकाध्यक्ष रूस्तम प्रिंस और EO जितेंद्र भाटी ने इन मकानों का मौका मुआयना कर अपनी रिपोर्ट उपखंड प्रशासन को सौंप दी है, लेकिन 6 माह बाद भी
कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाए है। ऐसे में पीड़ित मकान मालिकों को पालिका ने मकान खाली करने और मकान की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पालिका से नोटिस मिलने के बाद यहां कई लोगों ने तो मकान खाली कर दिए, लेकिन कई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि अब जाएं तो जाएं कहां। जांच करवाने के बाद में आज तक जो सरकार द्वारा पीड़ितों को सहायता, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी, वो आज तक मिला नहीं है। केवल आश्वासन मिला है, और भी आते हैं। कलेक्टर साहब भी दोबारा हम गए, एसडीएम साहब भी गए, तहसीलदार साहब भी आए, तो उन्होंने कहा कि पहले जांच रिपोर्ट आने दो। अब जांच रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद भी आज तक हमारे कोई सुनने वाला कोई नहीं। कब से हो रहा है ये? जनवरी से स्टार्ट हो गया था सफर का। आज तक ये स्थिति है, करीबन 20-22 मकान वो बेघर हो गए, सारे किराए के मकान में रह रहे हैं। और दूसरी हालत ये है कि मकान मरम्मत कराने के बाद में भी दूसरी और तीसरी बात वही हालत हो रही है। जैसे कि हमारे छाछड़ों को मोहल्ला में मकान फटा, ऐसा मकान हम लोग और तो किला ऐसी मुसीबत हो गई, हम लोग रहना भारी पड़ गया, खाना बनाना भारी पड़ गया। ऐसे हमारे सब लोग आए, कलेक्टर आए, सब आए, दिया कुमारी भी आई थी, दिया कुमारी की एक सेक्रेटरी आई थी, उनसे हमको अंदर बुला के हमसे बातचीत की थी। उन्होंने यह कहा था कि आप माता जी चिंता मत करिए, हमको दिया कुमारी भेजा है। उन्होंने ये कहा कि जो भी आपका होगा हम आपको खर्चा देंगे, आपका मकान बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और दिया कुमार ने भी ऐसे कहवाया, वो इंदा का आई थी, इंदा बाबू उन्होंने भी, मतलब सब आए थे, सब ने उनको ऐसा मतलब कह के कह के हम ऐसे कर देंगे ऐसे, पर किसी हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज तक हम तो ऐसे ऐसे डर रहे हैं। अब अभी हम जिस मकान में रहे वो भी मकान हमारे गिर रहा है, वो भी फटा हुआ है। और जैसे हमारे जो भी मकान वो सब मकान को हमको छोड़ के दूसरे मकान में, और जो हमारे पड़ोसी है वो सब किराए मकान चले, अब हम कहाँ जाएँ, कहाँ रहें, कहाँ करें। तो हम एक ज्ञापन और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से देने जा रहे हैं, उसके बाद अगर सप्ताह भर के अंदर हमारे लिए कुछ सहायता राशि की घोषणा नहीं की गई तो हम मोहल्ले वाले शहरवासियों को साथ में लेकर के चारभुजा चौक के अंदर अनशन पर बैठेंगे, और मैं अकेला आदमी अनशन पर और भूख हड़ताल पर बैठूंगा। नागौर जिले के मेरठ सिटी में छाजड़ों के मोहल्ले में देखने को मिल रहा है बहुत ही भयानक दृश्य। यहाँ पर हर घर में दरारें आती हुई नजर आ रही है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह पहले एक रहवासी मकान था, जहाँ पर अधिक दरारें आने के कारण इसे ध्वस्त करना पड़ा। यहाँ पर हर मकान में जनहानि होने का खतरा बना हुआ है। आप मेरे इस ओर देख सकते हो, एक नवनिर्मित भवन है जिसका अभी तक इसका शुभारंभ भी नहीं हुआ है, फिर भी ये ध्वस्त होने के कगार पर आ गया है। यहाँ के मोहल्लेवासी करीबन एक दर्जन से अधिक लोग यहाँ से मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मोहल्लेवासियों ने बताया कि कई बार यहां पर एमपी, एमएलए वे जिला कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं पहुंची है। वहीं मोहल्लेवासियों ने बताया कि अगर सोमवार तक ये कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार मुख्यमंत्री वे प्रधानमंत्री के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद यहां 7 दिन का अल्टीमेट दे के भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर यहाँ के मोहल्लेवासी बैठेंगे। मेरठ से मेरे सहयोगी पिंटू जांगीड़ के साथ दामोदरी नानिया, न्यूज़ इंडिया।